खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, केएनएन मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेके। जी हाँ, अध्यक्ष पद को लेके जो है इस बार बीजेपी चाहती है कि वो पिछड़ा वर्ग से किसी को अध्यक्ष बनाए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक नाम पे जो है वो बिल्कुल फाइनल मोहर लग सकती है। लेकिन ऐसा बीजेपी की तरफ से चाहा जा रहा है, लेकिन जिसका नाम प्रपोज किया जा रहा है, जिसके नाम पर सहमति बन रही है, वो खुद ही चाहते नहीं है कि वो अध्यक्ष बने। जी हाँ, इसी चर्चा के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रमोद शर्मा जी। सर, बीजेपी अध्यक्ष को लेके क्या कुछ रणनीति जो है वो बीजेपी की तरफ से? देखिए अरुण भाई, अभी बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जेपी नड्डा जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 100% संभावना है कि उन्हें जनवरी में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। उसके बाद 30 जनवरी तक भाजपा के सभी मंडल जिला स्तर के अध्यक्ष जो चुन लिए जाएंगे, और 15 फरवरी तक भाजपा को अपना जो है हरियाणा का प्रदेश मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी की पसंद जो है, भाजपा में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं होगा बल्कि उन्हें मनोनीत किया जाएगा। इसके लिए कई नाम पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमने पहले भी आपको बताया इसके लिए कई नाम हवा में तैर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नॉन जाट होने के कारण भाजपा के एक वर्ग का सोचना है कि जाट को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री की पसंद सुभाष बराड़ा हैं, जो कि पिछले 5 साल से जो है अध्यक्ष चले हुए हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ और हर कदम ताल पर मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है बराड़ा के साथ साथ कैप्टन मन्नू और धनखड़ जी दूसरे बड़े दावेदार हैं। लेकिन जैसे कि मैं पता चला है, हाईकमान का आदेश है कि किसी हारे व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, और भाजपा जो है किसी सांसद में से ही अध्यक्ष चुनना चाहती है। सांसद के नाम पर 3 नाम जो है प्रमुख तौर पर उभर रहे हैं। पहला नाम है नायब सिंह सैनी का, दूसरा नाम है रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का, और तीसरा नाम है फिरोजाबाद के सांसद कृष्ण पाल गुज्जर का। मुख्यमंत्री जो है इन नामों में से नायब सिंह सैनी और कृष्ण पाल गुज्जर दोनों के नाम से सहमत हैं। नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री की पहली पसंद हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण पाल गुज्जर एक ऐसे नाम है जिसके नाम पर हाईकमान भी सहमत है, मुख्यमंत्री भी सहमत है, सभी सहमत हैं, लेकिन खुद कृष्ण पाल गुज्जर जी सहमत नहीं है। कृष्ण पाल जी गुज्जर इस पद को लेने के लिए इसलिए झिझक रहे हैं कि उन्हें जो है दूसरी बार केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया है, अध्यक्ष बनने के साथ उन्हें जो है केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। कृष्ण पाल गुज्जर जी इससे पहले भी 2009 के विधानसभा चुनाव के समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में चुनाव हुए तो केवल 4 ही विधायक जीते थे, जिसमें से कृष्ण पाल गुज्जर जी खुद जो है अध्यक्ष बनने के चाहवान नहीं है। पिछली बार उनके नेतृत्व में 2009 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, तो वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब वो खुद तिगांव से चुनाव जीते थे और 3 अन्य विधायक जीत कर आए थे। 2009 के विधानसभा चुनाव के समय कृष्ण पाल गुज्जर जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में केवल 4 विधायक जीते थे। न खुद केवल वो तिगांव से जीते बल्कि अनिल विजय अम्बाला कैंट से, कविता जैन जी सोनीपत से और घनश्याम सराव जी भिवानी से 4 विधायक जीते, और केवल 9% वोट बैंक आया था, 9% जो है मत मिले थे। अब कृष्णपाल जी गुज्जर जी इसलिए चव्हाण नहीं है, कृष्णपाल जी गुज्जर जी ने अपना जो राजनीतिक करियर एक निगम पार्षद से शुरू किया। 1996 में वो MLA बने मेवला महाराजपुर से, और चौधरी बंसीलाल की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। उसके बाद चौटाला साहब की सरकार आ गई, बीजेपी जो है भारी समर्थन से, चौटाला साहब की सरकार आने पर भाजपा ने भारी समर्थन दिया और दूसरी बार विधायक बने मेला महाराजपुर से कृष्णपाल गुज्जर जी। उसके बाद अगला चुनाव हार गए महेंद्र प्रताप सिंह जी, 2009 में तीसरी बार विधायक बने। इसके बाद जो है 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, 2014 के लोकसभा चुनाव उन्होंने अवतार 4 बार के सांसद अवतार सिंह बढ़ाना को लगभग 4.5 लाख मतों भारी मतों से हराया। नरेंद्र मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया। दूसरी बार फिर लोकसभा इलेक्शन लड़ा, अवतार सिंह भडाना को 6 लाख से ज्यादा भारी मतों से हराया, पूरे देश में तीसरे सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीते और दोबारा जो है केंद्रीय मंत्री बने। अब जो है वो इसलिए अध्यक्ष पद को स्वीकार करने से हिचक रहे हैं, अगर उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकार किया, कृष्ण पाल गुज्जर जी मुख्यमंत्री के बड़े नजदीकी हैं, केंद्र में मोदी साहब का उन्हें समर्थन है, पिछले 5 साल में उन्होंने एक शब्द भी जो है
मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोला है, सिर्फ जो है अपने पुत्र को टिकट न दिलाने का उन्हें दर्द जरूर था, वो भी उन्होंने बयान नहीं किया। इस बार जो है उनके लोकसभा के अंतर्गत 9 में से 8 सीट भाजपा जीती है और 1 सीट पर निर्दलीय चुनाव जीतकर आया है। कुल मिलाकर 8 विधायकों का इस बार जो है भाजपा को वहां से समर्थन है। लोकसभा क्षेत्र में पूरे हरियाणा में जहां भाजपा का ग्राफ बुरी तरह से गिरा है, उनके लोकसभा क्षेत्र में इतनी भारी उनके लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को जो है लगभग दुगुनी सीटें प्राप्त हुई हैं। इसलिए नड्डा जी भी चाहते हैं कि अब उनकी कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कृष्ण पाल गुर्जर जी बने, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है कृष्ण पाल जी गुर्जर को केंद्र में मंत्री पद का ज्यादा मोह है, वो संगठन में नहीं जाना चाहते। इसी बीच हमें पता लगा है कि कुछ केंद्रीय नेतृत्व उन्हें मनाने के लिए तैयार कर रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। जैसे कि पिछले दिनों में विजय सापला जी को अध्यक्ष बनाया गया था, साथ साथ में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी रखा गया था। अगले निकट भविष्य में 4 साल तक प्रदेश में कोई चुनाव का माहौल भी नहीं है, इसलिए उन्हें केंद्रीय मंत्री के साथ साथ अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। अब ये बात तो कृष्ण पाल गुर्जर जी पर ही निर्भर है कि वो जो है अध्यक्ष पद स्वीकार करते हैं या केंद्रीय मंत्री रहना पसंद करते हैं। धन्यवाद।